हेलो दोस्तों ट्रू आईएएस में आप सभी का स्वागत है प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने ये बात कर ली थी कि, कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो कैसे मनी को क्रिएट करते हैं तो इस प्रोसेस को जो कि हमने देखा था एल आर आर के थ्रू यानी जो बै, कमर्शियल बैंक जो पैसे बनाते हैं किसी से एक डिपॉजिट मतलब प्राइमरी डिपॉजिट एक्सेप्ट करके फिर उसको सेकेंडरी डिपॉजिट के अंदर कन्वर्ट करके तो ये जो कैश रिजर्व जो बैंक जो रखते हैं जिसको हमने नाम दिया था लीगल रिजर्व रेशियो इसके थ्रू बैंकों का जो पैसा बनता है और हमने देखा था कि एक स्टेज पे पैसा नहीं बनता है पैसा मल्टीपल स्टेज पर बनता रहता है इसको हम लोग कहते हैं मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन लेकिन मल्टीपल स्टेज पर जो पैसा जो बनता रहता है ऐसा नहीं है कि किसी भी एक ही स्टेज पर जो क्रेडिट क्रिएशन है वो होगी मल्टीपल स्टेजेस पर होती है इसलिए इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है मनी मल्टीप्लायर या फिर क्रेडिट मल्टीप्लायर कुछ भी कह लो ठीक है और इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे 2019 तो के अंदर जो क्वेश्चन आया था इसको हम लोग देखेंगे मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विद विच ऑफ द फॉलोइंग जैसा कि मेजबान ने आज इसको सॉल्व करा था अपनी क्यूरियोसिटी से पहले ही हालांकि उसने जो एनालिसिस मुझे प्रेजेंट करी थी वो इनफ थी कि लिक्विडिटी ये जो लीगल रिजर्व रेशियो है तो इसके फंडे के इसके फंडे के बेसिस पर उसने जो क्वेश्चन का जो भी एनालिसिस करा वो ठीक है मल्टीप्लायर तो मैंने अभी वर्ड यूज भी नहीं करा था लेक्चर के अंदर लेकिन बात ये है कि आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक इकोनॉमी की 2019 के अंदर वैसे भी कोई बहुत कोई खास बुक तो ऐसी कुछ अवेलेबल थी नहीं जिसके अंदर इतनी ईजी तरीके से आप एल का कंसेप्ट या फिर मल्टी multi मल्टीप्लायर का कंसेप्ट जान पाओ और यूपीएस ने उसके बारे में पूछ लिया तो सीबी देवा उस टाइम पर भी आपका काम करती थी और अभी भी आपका काम ये कर ही रही है उस साल मजाक की बात ये थी साल 2019 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा मल्टीप्लायर के ऊपर ठीक है और यही एक बारहवीं क्लास का जो बच्चा है जब उसके सीबीएससी के बोर्ड थे साल 2019 में तब उससे भी पूछा गया ठीक है तो यूपीएससी और सीबीएससी के एग्जाम में सेम क्वेश्चन था यहां किसी और फॉर्मेट में यूपीएससी में किसी और फॉर्मेट में लेकिन टॉपिक यही है मल्टीप्लायर यह ठीक है तो क्या होता है मनी मल्टीप्लायर या फिर क्रेडिट मल्टीप्लायर इट इज द मल्टीपल बाय विच टोटल डिपॉजिट इंक्रीजेस जो टोटल डिपॉजिट इनिशियल डिपॉजिट जो होता है बैंकों के पास उसको बैंक इंक्रीज कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इनिशियल डिपॉजिट को जिसको हम लोग प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं इससे नंबर ऑफ डिपॉजिट्स बैंक जो है वो बना देता है अब बना कैसे देता है और कोई डिपॉजिट कर रहे हैं तो आ नहीं रहे पैसे एक ही पर्सन आया था उसके पैसे को इतने तरीकों से घुमाकर बैंक यहां पर क्या कर रहा है टोटल डिपॉजिट जो इंक्रीज कर रहा है ना यानी कि डिपॉजिट के साथ वो रकम इंक्रीज कर रहा है मनी बना रहा है मनी मल्टीप्लायर जिसको क्रेडिट मल्टीप्लायर भी कहते हैं ये इन्वर्स होता है लीगल रिजर्व रेशियो का कैसे ये हम जानते हैं बिल्कुल उसका अपोजिट होता है मान लो अगर एल आर आर टेन परसेंट है तो टेन परसेंट को हम लोग कैसे लिखेंगे टेन अपॉन हंड्रेड जीरो में से जीरो गया बचा क्या वन बाय टेन अगर लीगल रिजर्व रेशियो वन बाय टेन है तो मनी मल्टीप्लायर निकलता है कुछ इस प्रकार से वन अपॉन एल आर आर तो वन अपॉन वन बाय टेन क्या होता है जब दो डिविजन ऐसी होती हैं बचपन आपको याद होगा तब यह वाला नंबर ऊपर चला जाता है टेन अपॉन वन इक्वल टू टेन ही आएगा। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन छोड़ो लेकिन कंसेप्ट फोकस बस ये करना है मनी मल्टीप्लायर बिल्कुल अपोजिट होता है जो एल आर आर होता है उसका और इसको सिंबोलिकली हम लोग तो डिनोट करते हैं वन बाय एल आर आर से ये रहा और टोटल क्रेडिट क्रिएशन अगर आपको जाननी है तो मैंने आपको फॉर्मुला बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर इनिशियल डिपॉजिट्स इनटू वन बाई एल आर आर क्रेडिट क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या क्या होता है है और ये क्या है? ये रोल प्ले करता क्रिएशन के अंदर सिर्फ सीबीएससी का ही क्वेश्चन नहीं यूपीएससी का क्वेश्चन भी है और और भी बन सकता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है लेकिन ये आप बन सकता है। और इसी चीज की एप्लीकेशन यूपीएससी ने साल दो की फॉर्म में एनालिसिस आपको उतनी ही चाहिए थी अगर आप इसको मेन्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते यानी कि अगर आप उस साल साल 2019 में अगर आप यूपीएससी में फिल्म में बैठे हुए हो और इस वाले क्वेश्चन को टैकल कर रहे हो तो सीबीएसई का एक स्टूडेंट ऑलरेडी जानता है इस कॉन्सेप्ट को इसका मतलब बारहवीं क्लास का खैर छोड़ो बात करते हैं आगे ये क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है क्रेडिट मल्टीप्लायर मनी मल्टीप्लायर एक ही बात है वैसे तो क्रेडिट मल्टीप्लायर इस बात को मेजर करता है द अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक्स आर एबल टू क्रिएट कितना पैसा बैंक क्रिएट कर सकते हैं डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में हर एक इनिशियल डिपॉजिट के साथ अब इसका इसका मतलब क्या है कई स्टूडेंट्स इसकी इंटरप्रिटेशन को गलत वे में ले लेते हैं डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म क्यों लिखी हुई है क्योंकि देखो यहां पर हर एक डिपॉजिट के साथ हर एक डिपॉजिट के साथ बैंक जो है वो सबका एक अकाउंट खोल रहा है अकाउंट खोल रहा है अकाउंट जो खोल रहा है बैंक वो एक पर्सन का अकाउंट है वो एक प्राइमरी डिपॉजिट है पर्सन जब चाहे अपना पैसा निकाल सकता है ऑन डिमांड तो वो एक डिमांड डिपॉजिट है, एक तो मतलब इसका ये हो गया, दूसरी इंटरप्रिटेशन यही है दूसरी इंटरप्रटेशन ये है कि इस पर्सन का जो पैसा है इसको लोन के फॉर्म में बैंक जो है वो सर्कुलेट करेगा किसी एक्स वाई जेड पर्सन के नाम पर और उसको कैश नहीं देगा उसके नाम पर भी एक डिमांड डिपॉजिट अकाउंट खोला जाता है और उसमें उस पर्सन का सारा पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा अगर उसका लोन सेंक्शन हो जाता है सही प्रकार से तो बाद में बैंक को उस प्रिंसिपल अमाउंट पर ब्याज मिलेगा यह ब्याज की रकम ज्यादा होगी और इसमें से कुछ हिस्सा इस पर्सन ने जो बैंक पे ट्रस्ट करके यहां पर खाता खुलवाया है इसको दिया जाएगा इसके डिपॉजिट्स के को देखते हुए कि कितना डिपॉजिट है उसके हिसाब से उसको खाता खात, मतलब क्या कहते हैं उसके खाते के बेसिस पर खाते में कितने पैसे हैं ठीक है, है? अकाउंट में कितने पैसे हैं उसके बेसिस पर उसको ब्याज मिलेगा ओके हायर द मल्टीप्लायर जितना ज्यादा मल्टीप्लायर होता है हायर विल बी टोटल क्रेडिट क्रिएटेड यानी कि मल्टीप्लायर ऑफिस की बात है मल्टीपल स्टेजेस में पैसा घूमा है मल्टीपल फेजेस से पैसा घूमकर निकला है तो बैंक ने इसका मतलब प्रॉफिट भी ज्यादा बनाया तो जितना ज्यादा मल्टीप्लायर टोटल की गई है, सी वर्षा। कम है तो कम करी गई है मनी मल्टीप्लायर मल्टी बिल्कुल अपोजिट होता है लीगल रिजर्व रेशियो से ठीक है क्योंकि लीगल रिजर्व रेशियो तो क्या है ये कोई पैसा घूम तो सकता नहीं है इसको समझने का तरीका क्या है जैसे अगर कोई मुझसे पूछे कि सर इसको जरा समझाओ ये वन बाय टेन और ये सब हटाकर तो देखो लीगल रिजर्व रेशियो तो वो है कि बैंक को जो अपने पास मेंटेन करके रखना है वो कैसे भी करके उसको लोन की फॉर्म में सर्कुलेट नहीं कर सकते हैं तो वो पैसा तो बस पड़ा हुआ है कि कोई भी डिपॉजिट करने आएगा तो मिनिमम जितना परसेंट तय करा गया है साढ़े चार परसेंट पांच परसेंट दस परसेंट देश के अंदर जो भी सीमा चल रही है और ये सीमा डिसाइड कौन करता है आरबीआई करता है सारे बैंकों को जो एल मेंटेन करने को बोला गया कि इतना पैसा बचाकर रखना ही अपने पास उसको तुम कैसे भी करके नहीं घुमाओगे कि ये मतलब एक का डबल कर दूंगा एक किस दिन में पैसा इसका डबल कर दूंगा इसको भी लोन की फॉर्मेट में दे दो वो पर्सन बहुत अच्छी है उसकी सिविल स्कोर बहुत अच्छी है इस पर भी ब्याज आ जाएगा तो बुराई क्या है चाहे बुराई हो चाहे ना हो वो पैसे को हाथ नहीं लगाया जाएगा तो जो पैसा घूम ही नहीं सकता मल्टीप्लाई होने के लिए डबल होने के लिए यानी कि एक प्रकार से वो आपके घर में तिजोरी में रखा पैसा है आप कुछ भी कर लो कुछ भी कर लो वो पैसे की एक की गड्डी दो नहीं होने वाली दो गड्डियां नहीं होने वाली वो पैसों की तो वो लीगल रिजर्व रेशियो है लेकिन इसके अलावा जो भी आप पैसा रोटेट कर रहे हो लोन की फॉर्म में जिससे आपकी क्रेडिट क्रिएशन हो रही है वो आपका पैसा यानी कि बैंकों के पास उनका प्रॉफिट है वो मल्टीप्लाई हो रहा है एक डिपॉजिटर भी उनके लिए भगवान है क्योंकि वो नौ स्टेजेस पांच स्टेजेस चार स्टेजेस में उनको पैसा कर देगा पैसा बना कर देगा और ब्याज जो डिपॉजिटर्स को देना है वो तो बहुत कम है लेकिन जो बोरोअर्स से मिलेगा वो बहुत ज्यादा है इसलिए मनी मल्टीप्लायर अपोजिट होता है इनवर्स होता है एल आर आर के लीगल रिजर्व रेशियो के बताओ ये छोटी सी बात समझ में आई थ्योरेटिकल एस्पेक्ट छोड़ो उसका नंबर वंबर सॉरी ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट छोड़ो उसका नंबर वगैरह छोड़ो लेकिन वैसे बात समझ में ही बताओ ठीक है आपको ये बोला गया है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मनी मनी मल्टीप्लायर इफ एल आर आर इज ट्वेंटी परसेंट तो एल आर आर ट्वेंटी परसेंट है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या ट्वेंटी बाय हंड्रेड बताओ लिख सकता हूं ऐसे जीरो से जीरो कटा मेरे पास आ गया टू बाय टेन टू वंजा टू फाइव सा एल आर आर क्या हो गया मेरा वन अपॉन फाइव मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है वन अपॉन एल आर आर मेरा एल आर आर निकला वन बाय फाइव वन बाय फाइव जब ऐसी दो डिवीजन हो ये जाएगा ऊपर तो क्या बजेगा फाइव अपॉन वन इज इक्वल टू फाइव ओनली ये निकल गया मेरा फाइव ऐसा कभी आएगा नहीं डोंट वरी अश्वीत कही तुम सोचो इसके प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे जरा ठीक है ऐसा <laughs> कुछ नहीं है बस अब समझ जाओ यार सी वी ससदेवा की बुक है बारहवीं क्लास के बच्चों के लिए बुक है तो ठीक है लेकिन हम इसका मतलब ये है कि हम बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे चल रहे हैं यूपीएससी से मतलब जिस प्रकार के वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम उससे काफ़ी एडवांस लेवल पे चल रहे हैं कि हम उसके न्यूमेरिकल आस्पेक्ट थ्योरेटिकल आस्पेक्ट प्रैक्टिकल आस्पेक्ट सारी चीजों को समझ के ही कुछ कर रहे हैं और वो पूछ रहा है सिर्फ एक छोटी सी चीज़ कि मनी मल्टीप्लायर का एप्लीकेशन क्या है अभी हम देखते हैं उस क्वेश्चन को तो इफेक्ट क्या होता है मनी क्रिएशन का नेशनल पर मनी सप्लाई के दो कंपोनेंट्स होते हैं फिर से हमारी रेटर रिविजन करवा रहा है एक करेंसी दूसरा डिमांड डिपॉजिट करेंसी जो है अब ध्यान से सुनना ये है इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट करेंसी जो है ना करेंसी इज क्रिएटेड बाय सेंट्रल बैंक इट इज क्रिएटेड बाय सेंट्रल बैंक वेयर एज डिमांड डिपॉजिट जो है दे आर क्रिएटेड बाई कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के द्वारा क्रिएट होती है करेंसी डिमांड डिपॉजिट क्रिएट होते हैं कॉमर्शियल बैंक के द्वारा कैसे ये लोगों को पैसा देते हैं ब्याज पर लोन पर ब्याज पर कह रहे मतलब लोन देते दे थे दे, लोन सेक्शन करते हैं उस पर ब्याज मिलता है जैसा कि हमने अभी तक इसकी पूरी दो लेक्चर में कहानी पढ़ी मोर द नंबर ऑफ डिमांड डिपॉजिट और तो उतना ही अमाउंट ऑफ लोन होगा बैंक के पास देने के लिए उतनी इन्वेस्टमेंट होगी यानी कि हम क्या कह सकते हैं कुल मिलाकर यहां पर बात क्या होगी एक बार प्राइमरी डिपॉजिट से सेकेंडरी डिपॉजिट बनेगी बनेगा और जितना अच्छा प्राइमरी डिपॉजिट होगा उतना अच्छा सेकेंडरी डिपॉजिट होगा सेकेंडरी डिपॉजिट लोन की फॉर्म में होता है जितना अच्छा लोन बैंक पोजीशन में है देने के जितने ज्यादा उसके पास पैसे हैं उतना ज्यादा बैंक का प्रॉफिट होगा इट इज जस्ट लाइक अ ट्रेडिंग एक्टिविटी ट्रेडिंग की एक सबसे बड़ी कमी यही होती है आपको पैसा बनाने के लिए पैसा चाहिए जितना ज्यादा पैसा बनाना है बेस में उतना ही पैसा रखना पड़ेगा आपको आप बहुत ज्यादा अर्न करना चाहते हो तो बहुत ज्यादा पैसे का बेस भी होना चाहिए फिर आपके पास बात यही है यहां पांच, 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 पांच लाख से भी पांच करोड़ नहीं होते पचास लाख से भी पांच करोड़ नहीं होते आपको बेस सही होता है ज्यादा पैसों का तो उतने पैसों के ऊपर आपको फाइव टू टेन परसेंट इंटरेस्ट मिलता है डेली बेसिस इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन द इकॉनमी लीड्स टू राइज ए नेशनल इनकम थ्रू मल्टीप्लायर इफेक्ट ठीक है जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी इकॉनमी के अंदर तो इसका इफेक्ट क्या निकलेगा मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से क्योंकि वह पैसा जो है लोग सेव करवाएंगे बैंकों में जाकर और बैंक जो है उससे क्रेडिट क्रिएशन करेगा कैसे लोन देकर लोन पर्सन क्यों ले रहा है कोई ना कोई एक्टिविटी करने के लिए बिजनेस वगैरह सेटअप करने के लिए वो बिजनेस इकोनॉमी का पार्ट है इकोनॉमी के पहियों को दौड़ाने के लिए वो पैसे ले रहा है बैंकों को ब्याज देगा उस लोन और वो लोन को भी वापस करेगा और वो ब्याज बैंकों के लिए प्रॉफिट है और ए, 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 ये सारी की सारी एक्टिविटी चलती रहती है क्योंकि बात ये है लोग अगर बैंकों में जाके खाते ना खुलवाएं वहां पैसा डिपॉजिट ना करवाएं तो बैंक फर्दर किसी को लोन नहीं दे पाएगा जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक एक्टिविटी सफर करेगी बैंकों के पास अगर इतना पैसा नहीं है तो बैंक लोन नहीं दे पाएंगे एक लेकिन यहां पर कभी कभार बैंक एक साइकिल के अंदर और फंस जाते हैं इन सारी के अलावा एक दिक्कत होती है जिसके बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे मनी एन बैंकिंग के एडवांस वर्जन में नितिन सिंघानिया से एक एनपीए की दिक्कत होती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन पर्सन जिसने लोन लिया ना वो हरामखोर निकला वो बेचनाम निकला या फिर मजबूरी वाला भी हो सकता है काली को देनी किसी को नॉन परफॉर्मिंग जब बैंक बैंक के बढ़ जाएं। ने जो जिसको लोन दिया था ब्याज तो छोड़ो प्रिंसिपल अमाउंट तक वापस नहीं आ रहा है वो वो हम पढ़ेंगे आगे चलकर एक अलग टॉपिक है एनपीए वगैरह का पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है क्या नहीं होता जब कोई डिफॉल्ट कर जाता है बैंक को पैसे नहीं दे पाता तो क्या होता है प्रॉपर्टी सील होती है या फिर जो भी उसके लीगल uh, रिप्रीकॉशन होते हैं वो हम सारे के सारे जानेंगे इसके लिए कौन सी अथॉरिटी होती है कौन सी बॉडी होती है डिस्प्यूट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म क्या है इसके लिए ये हम सब जानेंगे डोंट वरी लेकिन ये बताओ ये समझ में आया मनी क्रिएशन क्रेडिट क्रिएशन ये बात ये वाली बात समझ में आई अब देखो इस क्वेश्चन पे चलते हैं जरा 2019 का दोस्तों क्वेश्चन है यूपीएससी का ही क्वेश्चन है आई रिपीट यूपीएससी का ही क्वेश्चन है स्टेट पीएससी का नहीं है क्वेश्चन पूछ रहा है मनी मल्टीप्लायर इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज होगा इनमें से किसकी वजह से कैश रिजर्व रेशियो की वजह से हमने सीआरआर का तो अभी तक जिक्र ही नहीं कर हम तो जानते भी नहीं है सीआरआर होता क्या ठीक है यानी कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं आप पेपर में रिकॉल ऐसी तो करते हो आज जिस कंटेक्स में जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रखा होता है वही तो हमें याद आएगा जो चीज सुनी नहीं रखी है कैश रिजर्व रेशियो को मल्टीप्लायर तक किया पढ़कर गए हो तो आप सी आर आर कहाँ पड़ा होगा आपने अगर आपने मल्टीप्लायर तक ही पढ़ा है तो है ना दूसरा इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन तीसरा इंक्रीज इन द एस एल आर स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो भी हमने नहीं पढ़ा इस कंटेस्ट के अंदर एंड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री तो अगर कोई पर्सन जिसको अपने नॉलेज पर ट्रस्ट है और जो अच्छे सोर्सेज से पढ़ रहा है जो मल्टीपल सोर्सेज से नहीं पढ़ता है आई रिपीट जो मल्टीपल सोर्सेस से नहीं पड़ता है तो वो ऑप्शन ए को और ऑप्शन सी को आराम से एलिमिनेट कर सकता था आसानी से एलिमिनेट करा जा सकता था ठीक है दूसरा जो एस्पेक्ट है इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन या चौथा इंक्रीज इन पॉपुलेशन की पहले बात करते हैं भाई पॉपुलेशन अगर किसी की देश की इंक्रीज हो रही है इसका मतलब ये नहीं होता इसका मतलब यह नहीं होता कि सब लोग बैंकों के अंदर खाते खुलवाने लग जाएंगे बिल्कुल नहीं पॉपुलेशन किसी देश की ज्यादा बढ़ रही है उस देश में बार बार बैंक फेल कर जाते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है वो वॉर जोन अफेक्टेड कंट्री है लोग वहां पर जरूरी थोड़ी ना बैंक के बारे में जानते हो या फिर उनकी बैंक में खाता खुलवाने के लिए बारे में मतलब वो मोटिवेटेड हो ज्यादा पॉपुलेशन से ज्यादा बैंक में खा, खाते खुलेंगे ऐसी तो वर्ल्ड की कोई रिपोर्ट नहीं कहती है और मैं तो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं सोच के देखो एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप बैठे हो उससे क्या फर्क पड़ता है इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इससे इससे लोग बैंक बैंक में जाकर खाता खुलवाना या फिर इससे बैंक पैसा बना लेगा ये सोच करके ज्यादा जनता है वो ज्यादा खाते खुलवाएंगे ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है बी इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन हाँ पॉपुलेशन कम से कम हो लेकिन उस पॉपुलेशन का पार्ट मेजर पार्ट भले ही उस देश की जनसंख्या कम हो लेकिन जनसंख्या का मेजोरिटी ऑफ द पार्ट मेजोरिटी ऑफ द जनसंख्या उस देश की अगर उनके बैंक में खाते हैं या फिर वो बैंकिंग हैबिट उनके अंदर है कि यस पैसा जो है घर पर रखने वाली चीज नहीं होती है मेरा जमा करवाया हुआ बैंकों में पैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो वो जानता है कि मेरा जमा करवाया हुआ बैंकों में पैसा इकॉनॉमी को चलाएगा इकॉनॉमी के पहियों को चलाएगा जिसका घूम फिर के फायदा मुझे ही मिलेगा किसी ना किसी फॉर्म में इस देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज की फॉर्म में तो बैंकिंग हैबिट से प्राइमरी डिपॉजिट इंक्रीज होंगे प्राइमरी डिपॉजिट से सेकेंडरी डिपॉजिट पर असर आएगा ज़्यादा पैसा बैंकों के पास अवेलेबल होगा लोगों की बैंकिंग हैबिट की वजह से उतना ही ज्यादा लोन दे पाएंगे बैंक लोन फिर ज्यादा ब्याज पे भी नहीं देंगे तो ज्यादा लोग लोन के लिए अप्लाई करेंगे ब्याज की सीमा इतनी रहेगी कि, कि लोग प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ तो उस ब्याज को भी आराम से भर पाए अपना सिविल स्कोर भी वो लोग अच्छा कर पाए बैंकों को भी प्रॉफिट मिले और बैंक फर्दर लोन दे सके और एक पर्सन से जो इनिशियल डिपॉजिट आया था जो प्राइमरी डिपॉजिट आया था मल्टीपल स्टेजेस पर उससे पैसा क्रिएट हो सके जो कि है मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रेडिट क्रेडिट मल्टी क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन क्रेडिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर यही हमने पढ़ा और इसी से क्वेश्चन यूपीएससी ने बनाया था इसी टॉपिक से अच्छी अच्छी बुक्स में नहीं मिलेगा आपको ये इतना इजी वे में जितना यहां पर दे रखा है लेकिन अगेन बात यही है कि इसके लिए आपको सिर्फ क्रेडिट मल्टीप्लायर मनी मल्टीप्लायर की नॉलेज की जरूरत भी नहीं थी जो हम प्रीवियस लेक्चर में मॉर्निंग क्लास में जो हम एल का कंसेप्ट जो कर चुके हैं उससे भी ये चीज हो सकती थी अंडरस्टूड चीज है क्योंकि वो कि रेशियोज रेशियोज से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि रेशियोज बढ़ाने की वजह से अरे भाई जब लोग जनता ही आराम कौर है वो बैंकों में खाते ही नहीं खुलवाना चाहती फिर कोई क्या कर लेगा जब प्राइमरी डिपॉजिट ही नहीं आएंगे तो फिर इकोनमी के पहिए चल ही नहीं सकते फिर, फिर वो फिर वो उसमें घुमा फिरा कर बात चाहे जितनी बर्ती कर लो प्राइमरी डिपॉजिट नहीं आएगा तो सेकेंडरी डिपॉजिट नहीं होगा लोन के लिए पैसे अवेलेबल नहीं होंगे ब्याज फिर जो लोन जो दिया जाएगा उसको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करा जाएगा जो पीपल है दे विल बी डिस्करेज फ्रॉम टेकिंग लोन्स जब ऐसी डिस्करेजमेंट होगी इकॉनमी के अंदर तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होंगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होंगी तो इकोनॉमी स्टेगनेट हो जाएगी इकॉनमी टेगनेट हो जाएगी पर अल्टीमेटली जाकर इकॉमी कर जाएगी जिसका असर बाकी लोगों को पर भी पड़ेगा और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की साइकिल के बीच में इकॉनमी हो सकता है फसकर रह जाए बताओ ये चीज समन भाई समन भाई एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट बस ये याद रखना कि जो करेंसी क्रिएशन है इट इज डन बाय सेंट्रल बैंक्स वेर इज डिमांड डिपॉजिट जो है मतलब मनी क्रिएशन जो है वो दोनों ही करते हैं वैसे तो तीनों ही करते हैं गवर्नमेंट भी आर भी कमर्शियल बैंक भी करेंसी को पर्टिकुलरली हमारे देश में सेंट्रल बैंक क्रिएट करता है मेजर करेंसीज को कॉइंस भी वैसे प्रकार हैं उसके वन रुपये का नोट भी है सरकार का भी योगदान है इसके अंदर लेकिन टेक्निकल टर्म्स में अगर हम लोग बात करें तो मनी सप्लाई के दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स करेंसी सेंट्रल बैंक क्रिएट करता है आर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स और डिमांड डिपॉजिट्स की डिमांड डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा क्रिएट करते हैं कमर्शियल बैंक कैसे ये डिमांड डिपॉजिट्स जैसा कि मैंने आपको बताया ये प्राइमरी डिपॉजिट का रूप भी हो सकते हैं भैया एक सेविंग अकाउंट खोलने वाला पर्सन उसको ऑन डिमांड अपने पैसे चाहिए जब मर्जी

खुशी खुशी के लिए लॉलीपॉप के तौर पर दे दिया जाएगा और बैंकों का बचेगा प्रॉफिट और लोन से लोगों का काम हो रहा है इकोनॉमी का काम हो रहा है ऐसे सबका साथ सबका विकास चलता है एक 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 भी एक भी भी जन हिस्सा पार्ट अगर इस साइकिल में से ब्रेक करता है तो इकॉनमी या इकॉनमी की हेल्थ कोलैप्स कर जाएगी बताओ समझ में आया और बैंक क्योंकि मल्टीपल स्टेजेस पर पैसा क्रिएट करना चाहता है सिर्फ एक परसेंट के डिपॉजिट से इसलिए बोला जाता है बैंक क्रिएट कमर्शियल बैंक मनी दे आर इन्वॉल्व इनसेसिट क्रिएशन नॉट जस्ट एट वन स्टेजेस नॉट जस्ट एट वन स्टेज बट मल्टीपल स्टेजेस डेट इज वाई इट इज नॉट नोन एज क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन बट क्रेडिट मल्टीप्लायर और मनी मल्टीप्लायर इसलिए क्वेश्चन आता है मतलब इसलिए कंसेप्ट बर्थ लेता है मल्टीप्लायर का इफेक्ट इसको मल्टीप्लायर इफेक्ट भी बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट की वजह से जो इतना कुछ बैंक बना पाते हैं इतना पैसा बना पाते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट मल्टीप्लायर इफेक्ट ऐड कर लेना यहां पर क्रेडिट और मनी मल्टीप्लायर के टॉपिक में मल्टीप्लायर इफेक्ट बताओ समझ में आया सारा सारे के सारी चीजें जल्दी बताओ तो इस डिस्कशन में बुला लेते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन